के साथ अंशुल मिश्रा। चलिए रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। अग्निपथ बहाली प्रक्रिया के विरोध में छपरा में उग्र हुए आंदोलन को शांत करने हेतु सड़क पर उतरे डीएम और एसपी। डीएमएसपी ने शहर के कई मोहल्लों में किया फ्लैग मार्च। सेना में बहाली हेतु नवगठित अग्निपथ बहाली प्रक्रिया के विरोध में छपरा में छात्रों ने उग्र आंदोलन को अंजाम दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों की भीड़ में लोगों ने रेलवे सरकारी संपत्ति सहित निजी मॉल और स्थानीय बीजेपी विधायक के घर को निशाना बनाते हुए उग्र आंदोलन किया। आंदोलनकारियों ने छपरा जंक्शन स्टेशन पर खड़ी निरीक्षण यान और एक अन्य ट्रेन को आग के हवाले करते हुए अन्य ट्रेनों को व्यापक क्षति पहुंचाया। भगवान बाजार स्थित स्थानीय भाजपा विधायक डॉक्टर सी एन गुप्ता के आवास पर 200 से अधिक संख्या में पहुंचे आंदोलनकारियों ने उनके घर और लैब के शीशे को चकनाचूर करते हुए भाजपा सरकार और उनकी नीतियों का विरोध किया। इस दौरान विधायक ने जिले के आला अधिकारी और स्थानीय थाना को फोन कर घटना की सूचना दी। विधायक ने कहा कि पुलिस की विफलता से आंदोलन में विरोधी दल के लोग शामिल होकर उनके आवास पर उत्पात मचाया। इस दौरान उनके फोन को भगवान बाजार पुलिस द्वारा नहीं रिसीव किया गया। उग्र आंदोलनकारियों ने सड़क पर जगह जगह आगजनी कर यातायात को घंटों अवरुद्ध किया। वहीं शहर के कई मॉल के शीशे को तोड़ डाला। आंदोलन के भयावहता को देखते हुए डीएमएसपी ने दर्जनों पुलिस बल और अन्य अधिकारियों के साथ ध्वनि विस्तारक यंत्र से लोगों को घरों में रहने की अपील करते हुए शांति व्यवस्था कायम करने में आम लोगों को सहयोग करने की गुजारिश की। वहीं शहर के काशी बाजार, गुदरी, राजेंद्र कॉलेज मोड़ आदि निजी कोचिंग इलाकों में जाकर शांति की अपील की। लोकतंत्र में अहिंसात्मक रूप से विरोध जायज है, परंतु असामाजिक तत्व मौके की आड़ में आंदोलन को हिंसक रूप देते हुए सरकारी और निजी संपत्ति को जब व्यापक क्षति पहुंचाने लगते हैं तो सभ्य समाज इसे गलत करार देता है। कानूनी संघ न्यूज़ के लिए संवाददाता वर्षा कुमारी की खास रिपोर्ट।